छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने काले कारोबारियों पर नकेल कसने का जितनी तेजी से दम भरा था, काला कारोबार और खनिज की अफरा तफरी करने वाले उतनी ही तेजी से सक्रिय हो गए हैं। सीधे बात करें तो सरगुजा संभाग में इन दिनों ग्रेनाइट गिट्टी की अफरा तफरी जमकर हो रही है और सरगुजा की बलरामपुर पुलिस, RTO, खनिज विभाग के अधिकारी और उत्तर प्रदेश में बैठे एक दलाल की सीधी सांठगांठ है, जो इन तीनों विभाग को महीना पहुंचाकर एक टोकन जारी करता है और फिर राजस्व चोरी के इस बड़े मामले को पकड़ने का किसी को दम नहीं। सरगुजा संभाग पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश की सरहद में बसा है और यही वजह है कि यहाँ के खनिज संपदा कोयला और बॉक्साइट के अलावा ग्रेनाइट पत्थर पर अक्सर पड़ोसी राज्य के मुनाफाखोरों की टेढ़ी नज़र बनी रहती है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले और बलरामपुर जिले में ग्रेनाइट पत्थर की प्रचुरता होने के कारण वहाँ पर दर्जनों व्यापारी ने अपने अपने क्रशर खोल के रखे हैं, जहां से इन दिनों ग्रेनाइट गिट्टी ओवरलोड ट्रकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और झारखंड ले जाई जा रही है। वैसे ये ओवरलोड भारी भरकम ट्रक बलरामपुर और अंबिकापुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है, लेकिन पुलिस, RTO और खनिज विभाग के अधिकारियों में दम नहीं कि इसे रोक लें। सुनिए क्यों। तो रास्ते में बहुत सारे RTO ट्रैफिक खनिज पकड़ता है, कोई मना नहीं करता, कोई रोकता नहीं है? एंट्री कराए हैं। कहाँ एंट्री कराए हैं? आने का, RTO का। अच्छा, तो उससे कुछ जारी होता है? कुछ मिला है एंट्री का? कार्ड मिला है। कार्ड मिला है तो कार्ड दिखाते हैं हर जगह? हाँ। कोई रोकता नहीं है? नहीं, कोई नहीं रोकता है। कितने की एंट्री होता है महीने में? एक बार एंट्री वही 15-16 हज़ार का है। एक कार्ड बनता है उसमें 16 हज़ार में? हाँ, पूरा। अच्छा, उसके अलावा कहाँ का एंट्री कराते हैं थाने उन्होंने? फिर बलरामपुर जिला में करते हैं, तो बलरामपुर जिला पूरा कराते हैं। कहाँ कहाँ? जितना पड़ता है। क्या क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? थाना चौकी सब होता है, उसी में हम लोग कराते हैं। थाने में कितने पैसा लेते हैं? हम लोग एक दलाल हैं, उन्हीं से करा लेते हैं। कौन दलाल है? नाम क्या है? क्या नाम उनका? जो पांडे, वो कहाँ रहते हैं? दबनी। आपने सुना अंबिकापुर के पास परसा इलाके और बलरामपुर के बरियों इलाके से ओवरलोड गिट्टी ले जाने वाले ड्राइवर ने खुद बताया कि उसके परिवहन में ओवरलोड गिट्टी है, लेकिन उसने ये भी बताया कि ट्रक से 16-20 हज़ार लेकर उत्तर प्रदेश के बभनी में बैठा दलाल दीन दयाल पांडे किस तरह सरगुजा के RTO, खनिज और पुलिस अधिकारियों का मुंह बंद करके रखा है। इधर इंट्रो टोकन के खेल की कई जानकारी जुटाने के बाद जब हम सरगुजा रेंज IG के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर इस टोकन के माध्यम से गलत काम हो रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। मामले में कार्रवाई हमेशा करती आई है। अब चूंकि पुलिस के पास दीगर काम बहुत सारे होते हैं तो एक पर्टिकुलर काम को फोकस नहीं कर पाते हैं, और बलरामपुर जिला वैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो पुलिस की प्राथमिकता में पहले नक्सल गतिविधियों को नियंत्रण करना रहता है। जहाँ तक सवाल ओवरलोड का है तो इस बारे में RTO जो है यहाँ के उनसे बात करूंगा, और जो जिलाधीश महोदय हैं और संबंधित थाने प्रभारी हैं SDOP वगैरह से बात करके पूछता हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं इसमें। और चुनाव का क्योंकि समय है, लोकसभा चुनाव कराना शांतिपूर्ण तरीके से, तो पहले उस काम को प्राथमिकता भी करेंगे, लेकिन इस तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन भी नहीं होने देंगे। अगर एक्सेस लोड लेके जा रहे हैं ट्रक तो उससे हमारी रोड भी क्षतिग्रस्त हो रही है और शासन की रेवेन्यू की हानि भी हो रही है। नो डाउट, आपके बात में सहमत हूँ और हम कार्रवाई करेंगे। सरगुजा से ओवरलोड गिट्टी उत्तर प्रदेश या झारखंड ले जाना कोई अपराध नहीं, तो ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जब अपराध नहीं तो आखिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा की पुलिस, RTO और खनिज विभाग वाले मोटी रकम लेकर टोकन जारी क्यों करवा रहे हैं। दरअसल पिछले 6 महीने से जारी अवैध परिवहन के इस खेल में खनिज विभाग और GST जैसे तमाम करों को जोड़ा जाए तो औसतन 200 ट्रक प्रतिदिन के हिसाब से अब तक छत्तीसगढ़ सरकार को 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया जा चुका है।
लिहाजा राजस्व चोरी के इस बड़े मामले की जानकारी के साथ जब हमने सरगुजा संभाग आयुक्त से चर्चा की तो उन्होंने कुछ रटा रटाए जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे है, मेरे नॉलेज में आप लोगों के मार्फत आ रही है और न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं, अभी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये जो हो रही है, यहाँ से जो गिट्टियाँ जा रही हैं, नियमता जितनी जाने ही आए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर उससे ज़्यादा। और टोकन सिस्टम जिसको आपने मेरे को दिखाया कि टोकन जारी हुआ है, तो इसको मैं जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ पुलिस विभाग और माइनिंग से, फिर आरटीओ से। अगर ओवरलोड अगर गिट्टी जारी है तो आरटीओ से भी कार्रवाई करवाता हूँ। सरगुजा से उत्तर प्रदेश और झारखंड की ओर ओवरलोड ट्रकों में ले जाई जाने वाली ग्रेनाइट गिट्टी से करोड़ों की राजस्व के साथ वो सड़कें भी खराब हो रही हैं जो कम क्षमता के वाहन के लिए बनाई गई हैं। लिहाजा स्थानीय लोगों की आपत्ति पर कुछ दिनों पहले वाडप नगर SDM ने ऐसे ओवरलोड ट्रकों पर खानापूर्ति के लिहाज से कार्रवाई तो की थी, लेकिन फिर भी जब्त वाहन बसंतपुर थाने के सामने से गायब हो गए। मतलब सीधी बात करें तो टोकन्स की सेटिंग में मदमस बसमपुर थाना प्रभारी ने गिट्टी भरे ट्रकों को भगवा दिया। यहाँ से जो गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो गिट्टी और खासतौर से गिट्टी लेके जा रही है। इन गाड़ियों पर लगातार सघन चेकिंग चल रहा है हमारा, और बीच बीच में कार्रवाई भी कर रहे हैं हम। हमने हाल ही में 4 ट्रक जब्त किया था, धनवार चेक पोस्ट पर हमने सपोर्ट किया था, और 5 ट्रक हमने फिर जब्ती करके बसंतपुर थाने के सुपुर्द में दिया हुआ था। इस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, माइनिंग एक्ट के तहत पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य में हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी कार्रवाई के दौरान हम जब्ती और सुपुर्दगी करके हमने थाना प्रभारी के नाम पे सुपुर्द में दिया था। अब आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी की होती है, जिम्मेदारी उनकी है, वो बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर। SDM की बात इस बात को पुष्टि करती है कि ओवरलोड गिट्टी उत्तर प्रदेश से लाई जा रही है, और टोकन के साथ ही ड्राइवरों के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूरा सिस्टम सेट है। तो ऐसे में जांच और कार्रवाई के आश्वासन की जगह सीधे कार्रवाई होगी, तभी तो भूपेश सरकार के दावे जमीन पर महसूस किए जाएंगे। लेकिन सरकार बनते ही CM भूपेश ने कहा था कि काला कारोबार बिल्कुल सहन नहीं होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खनिज का इस तरीके से दोहन का ये कोई पहला मामला नहीं है। कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज संपदा भी तस्करी यहां दशकों से जारी है, लेकिन कई बार चर्चा समाचार प्रकाशन के बाद भी कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का कार्रवाई करके खानापूर्ति की जाती है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? फटाफट न्यूज़ डेस्क अंबिकापुर।